लिए मायूसी की कोई जगह नहीं है। हम बुझते हुए चिराग जरूर हैं, मगर अंधेरों को खौफ हमी से है। हम टिमटिमाते हुए चिराग सही हैं, मगर यकीन मानिए, अंधेरे को अगर कोई मिटा सकता है तो चिराग ही मिटा सकता है। इसलिए मायूसी की तो कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, गुस्सा जरूर है, और गुस्सा जिंदों को हुआ करता है, मुर्दों को नहीं। मुसलमानों को अगर हालात पे गुस्सा है तो मैं उस गुस्से को मिटाऊंगा नहीं, बल्कि उस गुस्से की परवरिश करना चाहता हूं। मैं कहता हूं, हाँ मुसलमानों, गुस्से पे आओ और इतना गुस्सा करो कि अपने अंदर छुपे हुए शैतानों से दुश्मनी शुरू कर दो। गुस्से पे आओ और उन दाढ़ी टोपी मक्कारों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करो जो स्टेज से लेकर ऐवानों तक तुम्हें और हमें बेचते हैं और उनकी शक्ल मुसलमानों जैसी होती है। हाँ मुसलमानों, गुस्सा दिखाना है तो जरूर दिखाओ, अपने घरों के उन मां बहनों के बारे में दिखाओ जो बुर्का पहनकर शरीयत के खिलाफ चंद सिक्कों में बिक जाया करती हैं और हम सबके सर शर्म से नीचे झुक चुके हैं। आखिर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, आखिर हमारी अंजुमनें क्या कर रही हैं। मुसलमानों, गुस्सा करना है, मायूस मत हो। अगर करना है तो एक काम करो, मस्जिदों का हिसाब शुरू करो, मदरसों का हिसाब शुरू करो, बोलने वालों का हिसाब शुरू करो। एक बनिया भी अपनी दुकान को जब बंद करता है तो शाम में हिसाब करता है कि मैंने पाया कितना है और खोया कितना है। 70 साल हो गए हिंदुस्तान की आजादी को, हमसे ज्यादा जलसे किसी कौम ने नहीं किए होंगे, हमसे ज्यादा तकरीरें किसी कौम ने नहीं की होगी। हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते, हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते, हिसाब से डरते क्यों हैं हम? जब तक जो कौम हिसाब नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ा करती है। आपको आगे बढ़ना है तो हिसाब लेना सीखिए, हिसाब देना सीखिए, हिसाब पूछना सीखिए। एक हिसाब मैं पेश करता हूं आपके सामने, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी कितनी होगी? चलिए मैं कम बताता हूं आपको, 20 करोड़ होगी, ज्यादा ही इंशाल्लाह। मैं 20 करोड़ बता रहा हूं। इस 20 करोड़ में मैं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी दीनी बहनों, आपका भाई आपसे एक सवाल कर सकता है? आप मुझे सीने पर हाथ रखकर बताएं कि इस हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में 5 वक्ता नमाजी कितने परसेंटेज हैं, कितने परसेंट हैं? आप यकीन मानिए, मैंने ये सवाल बहुत लोगों से किया है। मैंने ये सवाल एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों से किया है, सड़क के किनारे फल बेचने वालों से किया है, कलकत्ते की सड़क पर रिक्शा चलाने वालों से मैंने सवाल किया है। मजमुई तौर पर जो मुझे जवाब मिला है उसका एक औसत दर्जा यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में 5 वक्ता नमाजी सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। जुमे के नमाजी 5% है, रमजान के नमाजी उससे ज्यादा है, अलविदा के नमाजी उससे ज्यादा है, और ईद के नमाजी उससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 20 करोड़ मुसलमानों में 2% नमाजी मुसलमान मस्जिद में आते हैं, 98% मुसलमान कहां हैं? सड़क पे, बाजार पे, क्लब में, जुए के अड्डों में, चाय की दुकानों में, होटलों में। अल्लाह की मदद किस पर आएगी और किस तरह आएगी? खुदा की नुसरत कहां गिरेगी, बताओ मुझे। और ये 2% नमाजी हिंदुस्तान में क्यों हैं? उस वक्त आप सोचिए, उस वक्त जब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान, 3.5 लाख मदरसे, 6 लाख मस्जिदें, 4 लाख से ज्यादा उलमा, और पिछले कमोबेश 150 साल से तबलीगी जमात गली गली घूम रही है, इतना करने के बाद भी 2% नमाजी? आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर हम कहां हैं? अब कब तक हम शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियों से देते रहेंगे? अगर हम अपनी चाल को न बदले, अपने मिजाज को न बदले, दूसरों को सुनने का मिजाज नहीं बनाया, अपना हिसाब करना नहीं सीखा, बदतमीजियां बंद नहीं की और शराफत को इख्तियार नहीं किया, तो दुनिया आज नफरत कर रही है, कल गली गली में भराएगी, दौड़ाएगी। इस दुनिया को नफरत इस्लाम से नहीं है, इस दुनिया को नफरत मुसलमानों के बैड कैरेक्टर से है, मुसलमानों की बदतमीजी से है, मुसलमानों की बदजबानी से है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं सख्त बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कोई शादी का मंडप नहीं जहां मैं गले मिलकर मुबारकबाद दूं। मेरी कौम बारूद के ढेर पे बैठी है, कौम के हजारों जनाजे तैयार हैं। मैं मोहब्बत की बातें, सहलाने की बातें, चौधरियों को समझाने की बातें, मालदारों की खुशामद पसंदी की बातें मैं नहीं कर सकता। जो कौम, इस कौम का अलमिया यह है कि झोपड़ी में रहने वालों से लेकर महलों में जीने वाले मुसलमान सबके कैरेक्टर एक ही है, कोई फर्क नहीं है, कैरेक्टर के स्टाइल अलग है। गरीब झोपड़ियों में और सड़क पे बैठ के बदतमीजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और मालदार कमरों में बैठकर इंटरनेट से बुराइयों की अफवाह, बुराइयों का बाजार गर्म कर रहा है। दुनिया में हम कहां पहुंच गए? हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। अब स्टेज के पहलवान नहीं, अब जलसों के पहलवान बनकर रत जगह न कीजिए। अगर करना है तो मसलक के तलालों की जबानें खींच लीजिए। अब
اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار دلالوں کو اس قوم سے روکی, اس قوم کو بچا لیجئے. میرے بھائیوں, آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا, ہمارے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں, آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے. ہم سے پہلے جو گزرے ہیں, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, لیکن انہوں نے کام کیا, انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی, انہوں نے تاج محل بنایا. اگر وہ یونیورسٹی بنا کے دیے ہوتے, بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو, بزرگوں کو, کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا, کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے. بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں, ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں, اللہ والوں کا احترام اب خود پر واجب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں سخت کلام کہتا ہوں, سخت جملے کہتا ہوں, تو یقین مانیے میں اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں, بلکہ میں ایک گنہگار آپ نیک کار بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بے بسی کے عالم سے, آئیے ہم سب ایک دوسرے کو نکالیں. اگر مدارس کے حالات کو ہم نے اچھے نہیں کیے, اگر مدارس کے چندوں کے خرد برد کو بند نہ کیا گیا, اگر زکات کے مال پر بےمانی اور محتمیم کی اجارت داری اور زکات کا مال لے کر مہمانوں پہ خرچ کرنا اور بےمانی کرنا اور کمیشن کی بنیاد پر چندہ لینا, مدرسوں کی کمیشن کی بنیاد پر لوگ چندے لے رہے, اگر آپ نے 1000 روپے زکات دیا ہے تو 500 روپے مدرسہ پہنچتا اور 500 روپے اس دلال کے جیب میں جاتا ہے, آپ کی زکات ادا نہیں ہوتی. اس قسم کی نحوست اور مردودیت کی وجہ سے آج علماء کے چہرے سے نور نکل رہا ہے, آج دن کی باتیں کرنے والوں کی زبان بے اثر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑی مایوسی چھا رہی ہے, کیونکہ جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکالنے اور سنبھالنے والے تھے, جب انہی پر شک ہو جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ایسے بے ایمان دلال قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں, مگر انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کو شرمندہ کر رکھا ہے, انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کے حالات برباد کر رکھے ہیں. عزیزان ملت, ملت محاسبہ کرے اور بالکل محاسبہ کر اپنا حساب کرے, ورنہ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا.